स्वीडन की दिग्गज कंपनी आइकिया को अपने बेंगलोर स्थित शोरूम में एक ग्राहक से पंगा लेना भारी पड़ गया। मामला सिर्फ एक कैरी बैग से जुड़ा हुआ था। दरअसल आइकिया स्टोर के सामान खरीदने के बाद सामान रखने के लिए कैरी बैग मांगा तो कर्मचारियों ने इसके लिए 20 रुपए चार्ज किया, तो ग्राहक को ये रास नहीं आया और उसने उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद अब उसे 20 रुपए के कैरी बैग के बदले 3000 रुपए उस ग्राहक को देने का फरमान सुनाया गया। मामला बैंगलोर का है, जहां बीते साल 6 अक्टूबर 2022 को एक स्थानीय महिला संगीता बोहरा स्वीडिश कंपनी आइकिया के स्टोर पर शॉपिंग करने के लिए पहुंची थी। महिला ने वहां अपने मनचाही चीजों को खरीदा और उसके लिए 2428 रुपए का बिल पेमेंट किया। जब उसने कैरी बैग की मांग की तो सामान के बिल में बिलिंग कर्मचारियों ने सामान के साथ ही कंपनी की ब्रांडिंग वाला कैरी बैग देने के लिए 20 रुपए वसूल की। इसके बाद महिला ने कर्मचारियों से इस संबंध में बात की और तब उन्होंने एक उपभोक्ता फोरम में अपनी सूचना दर्ज कराई, जिसके बाद कंपनी को इतना घाटा।